ये है आपका क्लास सेवन कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक, तो जैसे जैसे जो समझाने का चैप्टर उसको पहले करवा रहे हैं, तो ये 8.1 का है। देखिए फाइंड द रेशियो, ठीक है, तो ये फाइंड द रेशियो की बात जो किया है, तो देखिए सबसे पहले हमें रेशियो में क्या होता है कि ये जो मीटर में है और ये किलोमीटर में है, दोनों का रेशियो सेम करके हमें और क्या करना है, इनका रेशियो सेम करना है। जैसे यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो इस मीटर को और इस किलोमीटर को हमें चेंज करके हमें क्या करना है, मीटर में करना है। यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी है, तो ये ग्राम और इसको भी हमें ग्राम में ही चेंज करना होगा। ये लीटर और ये मिलीलीटर, तो हमें भी क्या करना होगा, मिलीलीटर में ही चेंज करके हमें क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो बात करते हैं, तो देखिए रेशियो में क्या होता है, रेशियो की जैसे ही बात करेंगे तो जैसे ए रेशियो बी की बात है, तो जैसे ही ए रेशियो बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ए रेशियो बी है तो ये हम ए अपॉन में बी लिख सकते हैं। बस इसी फॉर्म में हमें क्या करना है, चेंज करना। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 400 मीटर अपॉन 6, और देखिए 6 को 6 किलोमीटर है ना, तो जैसे ही हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर, तो मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो ये आपके पास मीटर में आ गया। अब देखिए ये मीटर और मीटर जो यूनिट था ये तो कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा, 400 अपॉन में 6000, ये आपके पास। अब जब ये बच गया तो इसे अब देखिए दो जीरो से दो जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये जीरो से ये और ये जीरो से दो जीरो, तो देखिए ये हो गया आपके पास ये। अब इसको काट दीजिए तो 4 का टेबल कितने टाइम पड़ेगा, तो 15 टाइम, तो ये आपके पास हो गया 1 अपॉन में 15। जो रेशियो की बात करेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा 1 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1 रेशियो, ये 15 इसको लिख सकते हैं। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक कर लेते हैं, ये आपके पास है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये आपके पास 1.1 रेशियो 15 है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जैसे ही हम बात करते हैं तो क्या है कि अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दिया है, क्या दिया है, 200 ग्राम और यहां पे क्या है 1 केजी, तो 1 केजी को हम जैसे ही ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होता है, तो यहां से हम क्या करेंगे 1000 ग्राम ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां पे देखिए ये यूनिट से ये यूनिट तो कैंसिल और आपके पास बचा क्या, तो ये आपके पास बचेगा 2000 अपॉन में 1000, ये बचा। अब ये दोनों को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो जैसे ही देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये कटेगा 5, तो यहाँ पे जो आया 1 अपॉन में 5, तो इसका जो रेशियो आया 1:5 के रेशियो में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, 2 लीटर 250 मिलीलीटर ये दे रखा है आपके पास, तो 2 लीटर और 250 मिलीलीटर, तो लीटर को हमें किस में चेंज करना होगा, मिलीलीटर में, और ये हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब कोई भी सामान बाजार से लाद में जाते होंगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो यहां पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर अपॉन 250 मिलीलीटर। सबसे पहले हमें यूनिट तो सेम करना ही करना है, क्योंकि यूनिट सेम करेंगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिट से यूनिट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे ही आप काटिए तो जीरो से जीरो कैंसिल और ये 25 का टेबल पढ़िएगा 4 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 25 400 हो जाएगा। तो ये देखिए जो आपके पास आया ऊपर में 8 और नीचे में 1, तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 8 रेशियो
वन, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो सेकंड समझेंगे, लेकिन पहले जो समझने वाला क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग। तो देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि 3:25, तो ये रेशियो है और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल। तो 3:25 प्रोपोर्शनल 1:15, और वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि 5:y प्रोपोर्शनल 25:30। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ये आपके पास जो प्रोपोर्शनल है उसको इक्वल टू में चेंज करेंगे, और जैसे ही रेशियो की बात है तो रेशियो आपको हम बताए थे कि ए अपॉन में बी भी लिख सकते हैं और ये प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास यहाँ पे दे रखता हो कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल यहाँ पे बी रेशियो सी, तो यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे इसको लिखेंगे ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, और बाकी जो भी होगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये देखिए जैसे ही हम इसको लिखेंगे 3:25, क्योंकि ये रेशियो है तो 3:25, और ये जो प्रोपोर्शनल है इसके जगह पे हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू एक्स अपॉन क्या मिलेगा 15, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 3:25, और ये हो गया एक्स अपॉन में 15 जो यहाँ पे दे रखा है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको वेरिएबल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू को, तो एक्स को इधर ही रहने दीजिए, तो एक्स इधर रह जाएगा, 15 को बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे 3:15/25 क्या बचा, एक्स बचा। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो इसको काट दीजिए 5:5/25, आइए हो जाएगा 5:3/15, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा 3:3/9, तो इक्वल टू लिख दीजिए 3:3/9/5, ये एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बस सेम ही इसको 3:3/9 इस साइड लिख दिए और ये 5, यानी एक्स के बराबर इधर लिखिए या इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें सेम दे रखा है कि 5:y प्रोपोर्शन 25:30, ये है आपके पास। तो जैसे ही हम इसकी बात करें तो हमें सेम ही कंडीशन अप्लाई करने होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 5/y इज इक्वल टू 5/y इज इक्वल टू 25/30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये y है हमारे पास, तो y को ऊपर हमें शिफ्ट करना होगा, तो y को जैसे ही ऊपर शिफ्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू है तो हम जब भी इक्वल टू रहेगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो 5:30 इज इक्वल टू 25/y, ये यहां से कर दिए, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो ये जैसे ही y ऊपर गया है तो ये y की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5:30/25 = y, ये आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए, 5 का टेबल पढ़िए 5 टाइम्स में, और ये 5 का टेबल पढ़िएगा तो ये 6 टाइम में है, कैसे काटे 5 का टेबल 5 टाइम 25, और ये जो 5 बचा इस 5 से 6 टाइम में ये कर दिया, यानी जो y का आंसर आ गया वो क्या आ गया 6, यहाँ पे लिख दीजिए y = 6, ये आपके पास क्या हो गया वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर चलते हैं इस पर 4 पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, बोला है एक कार ट्रेवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर, यानी क्या है कि एक कार जो ट्रेवल करता है 360 किलोमीटर इन 4 आवर में,
फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई कार 6 आवर 30 मिनट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये बोला है। तो देखिए सबसे पहले जो कार की स्पीड है वो 4 आवर में कितना है 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट, ठीक है, ये है 4 आवर। 4 आवर्स में ये 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, तो 1 आवर में कितना चलता होगा, तो 1 आवर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन में 4 किलोमीटर। इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर, यानी वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब वो बोला है कि 6 आवर 30 मिनट में कितना वो चलेगा। तो देखिए या तो 6 आवर 30 मिनट की बात करें तो आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो देखिए 6 आवर की बात करें तो 6 आवर में वो चलेगा 6 × 90 + 90 × 30/60। अब 30/60 क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ये 6 किलोमीटर पर आवर यानी 6 आवर में वो 90 किलोमीटर चलेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 52 इतना प्लस, यानी ये 6 आवर में 90 के स्पीड से इतना चला। और दूसरा जो ये है तो देखिए 30 मिनट है, तो 30 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये 1/2, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे 45 आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 58, ये हो जाएगा कितना किलोमीटर। ये आपका तो हो गया कि अलग अलग तोड़ के करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 1 आवर की वैल्यू है ना, तो 6 आवर 30 मिनट को आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6.5 आवर, और एक और इसी की वैल्यू जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि 6 आवर 30 मिनट इज इक्वल टू 6 आवर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 30/60 आवर, तो ये हो जाएगा 1/2। तो एक और लिख सकते हैं कि 6 होल्ड 1/2, ये भी लिख सकते हैं ये आवर, या इसको लिख सकते हैं 6 × 12 और ये 13/2 आवर, यानी कोई सी भी वैल्यू आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब जैसे देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 90 × 13/2। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसको काट दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा 45। तो देखिए 13/5 कितना होता है 65, तो ये आपके पास 6, और 34 × 52, और 52 में 6 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 58 किलोमीटर, यहां से भी आया। अगर 6.5 की बात करें तो भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सेम ही आंसर आएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, यहां तक के बस आपको ये है ना जो 6 आवर 30 मिनट को चेंज करने आना चाहिए, यानी 6.5 आवर, यानी 6.5 घंटा 6.5 आवर भी लिख सकते हैं। 6 आवर 30 मिनट को हम 6 होल्ड 1/2 भी लिख सकते हैं, और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 × 12/1 = 13/2 भी कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर, यानी एक फैमिली है जिसमें कितने मेंबर हैं 5 मेंबर हैं, एंड नीड्स 40 kg वीट यानी गेहूं, यानी एक फैमिली में 5 मेंबर है और उनको 40 kg वीट यानी गेहूं की पर मंथ की आवश्यकता होती है। इफ 2 more members ज्वाइन द फैमिली देन हाउ मच डू द फैमिली नीड पर मंथ। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि जैसे 5 मेंबर है तो 5 मेंबर को कितना कंजप्शन है, कितना कंजप्शन वो करते हैं, तो 5 मेंबर इज इक्वल टू 40 kg, तो 5 मेंबर को 40 kg, तो 1 मेंबर को कितना जरूरत है, तो 1 मेंबर को जो कंजप्शन चाहिए बीट का वो कितना होगा, तो ये देखिए 40/5 kg,
तो इसको ऐसे करके काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 8 kg। तो देखिए 8 kg पर मंथ उनको वीट की जरूरत है एक मेंबर को, वन मेंबर को। तो यहाँ पे देखिए पहले से 5 मेंबर थे, अब 2 मेंबर और ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो पहले से कितना मेंबर था, 5 मेंबर, और अब जो ज्वाइन हुआ है 2 मोर मेंबर इन ज्वाइन, तो प्लस 2 मेंबर, तो 2 मेंबर इज इक्वल टू मिलकर टोटल कितना हो गया, 7 मेंबर। और एक मेंबर का जो कंजप्शन है वो कितना है, 1 kg, तो 7 मेंबर का कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 7 मेंबर नीड बीट, यानी नीड जो बीट होगा, यानी गेहूं की जो जरूरत होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पे 7 है इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 kg इज इक्वल टू 56 kg, यानी उनको जो नीड होगा यानी जो जरूरत होगा वो कितने केजी का होगा, 56 kg का जरूरत होगा। यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसी बेसिस पे आगे क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कीजिए।